जैसी मतलब जैसा सुना था वैसा ही पाया, क्योंकि मैं हमारे इलाका अलग है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ से मतलब, मगर यहाँ मुझे आके बहुत अच्छा लगा है, लोग बहुत अच्छे हैं, बड़ा मैं खुश हूँ हकीकत में। अब एक आपको कॉमेडी सुनाता हूँ जिसके लिए आप बैठे हुए हो, क्योंकि मेरे थोपड़े पे भगवान ने पहले से ही लिख के भेज दिया है और मोहर लगा दी है बड़ी वाली कि तुझे कॉमेडी करनी। और ये थोपड़ा जो मेरा देख रहे हो ना, ये लगता ही कॉमेडियन जैसा है, मैं क्या करूँ। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट है, ये फैक्ट्री से माल ही ऐसा निकला है, ये हकीकत है। हाँ जी, तो एक कॉमेडी बड़ी सुंदर थी, और आप समझते हो कि जो कॉमेडी मेरी YouTube पे आप देखते हो, एक तो मेरी गप आती है, बाबू गप्पी बैठ जाता है लोगों में गप मारता है, और उसी गप को मैं यहाँ मार सकता हूँ, आपको गप सुना सकता हूँ। क्यों कि अगर बात रही वैसी वीडियो शूटिंग वाली, जो स्टोरी बनाता हूँ, तो स्टोरियों में सामने कलाकार चाहिए। क्यों जी, गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं इधर से बोलूंगा तो सामने वाला जवाब देने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पे मैं अकेला हूँ तो अकेले जैसा ही काम कर सकता हूँ, है ना। तो बड़ी सुंदर सी कॉमेडी, आपने देखा होगा फोन पे बात करने का तरीका, लड़की जो आजकल देखे होंगे पढ़ने जाती हैं बच्चियां, और वो बस में बैठ जाएं और फोन आजकल बड़े बड़े डिब्बे आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई है उठी है, जब लॉकडाउन ने ऑनलाइन और सिखाए थे, ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहे हैं, अब पता ना कहाँ पढ़ रहे हैं। हम तो कुछ जाने ना, फोन ले घुस गए कमरा में तो ऑनलाइन चल रहे थे, तो वो अलग ही खेल है गो, अब बिल्कुल बहुत चेंज है मामलो पंडित महाराज। तो तुमने देखा होगा बस में सीट पे कोई बच्ची बैठी हुई और वो फोन पे बात कर रही हो, अपन तो नहीं कर पाएंगे ऐसे, मगर जो आजकल की बच्चे की बता रहा हूँ, छोटे छोटे जो बच्चा उदक आए 18-20 साल तक की व्यवस्था, हाँ वो फोने लेंगे हाथ में और कान पे धर लेंगे, और ये मालूम तुम भाई के बगल में बैठ जाइयो सीट पे, तुम्हें सुनाई नहीं देगी कहाँ बात कर रहे हैं ये, और हम ना ऐसे बात कर पाएंगे क्योंकि हमें आदत ही ना है, अबे तो यूँ हैरी होगी, बस चेहरा से मालूम कर सकोगे कि ये लड़ाई की बात चल रही है सामने आए थे या फिर हंसी की बात चल रही है, बाकी चेहरा से समझ सको, बाकी कछु समझ में नहीं आगी, बस इतनी हैरी होगी यूँ। तो बातें मालूम पड़ जाएगी, जो गुस्सा होगी तो ऐसे हैरी होगी। अब पता नहीं जब हमारे बगल में बैठे हैं हम, तब समझ में ना आ रही कि कहाँ बात चल रही है, तो सामने वाले कैसे सुनाई दे, तो जी समझ में ना आ हमारे। तो एक नॉर्मल बात करने का तरीका होता है, नॉर्मल जैसे हम तुम बात करते हैं, फोन लेंगे हेलो, अपने जैसे यार दोस्त को बात कर रहे होंगे तो नॉर्मल कैसे करेंगे, हेलो कहा रे जे खड़ा हूँ जालंग रोड की तरफ, ए तुम मर गया खेत तन को, यहाँ आ जा, यहाँ खड़ा हूँ मैं, एकदम जी नॉर्मल बात है। और बड़े बूढ़े जब टाइम पे फोन चलता नहीं था, नए नए फोन चले अभी कुछ दिन पहले ही तो चले, 15-20 साल पहले, छोटे छोटे नोकिया को है, तो जब ही चले तो बड़े बूढ़े ने तो फोन पे बात करवे को तरीका ही नहीं मालूम कैसे करना चाहिए, बड़े बूढ़े ने जो लगती जा जोतते बोलना पड़ेगा तब भी तक तुम आवाज पहुंच पा गई। हाँ हाँ, अब फोन हुए रख ले भाई, जो ठाड़ो कान पे ऐसे, अब बात करे तो ऐसे लगे जैसे सामने वाले थे बड़ी जोर से बोल रहे हैं, सामने वाला भैरव है, हेलो को बोल जाओ जल्दू, बड़े बूढ़े को बात करे को तरीके ही अलग हो। अब जैसे बाबू भाई जमाने को है, जो भैया बाबू के एक जना नाती को पहुंचो आए, अब मैं बैठो पहुंचो पे जो वो पहुंचो दे दो मोई लल्लू ने, कह ले बात करो पहुंचो आएगा जंपुआ को मिला तरी में थे, मैंने कही अच्छा, तो मैंने ले पहुंचो कहाँ पे डालो न्यू, अब बालंगते बुचिल्लाओ बाबा, मैंने कही जालंगते हेलो को है लल्लू जंपुआ कहा लल्लू, एक्सप्रेशन चेंज, पहले हंस के बता रहा हो बाबा लल्लू कहा सुनना जाओ मेरी बात है, ले तू कमावेगो चुट्टी कमावेगो लल्लू में मोटे भारी सुट्टी आवती निका जल्दी आ जाओ मोई भाजी आज आ जाते तू निका चलो जा मोई मोटे काय के चलो जाते
काका जावे आओ बेसिया ब्याह गई कल ले पनी कई कह जा है पेवसी भाई बजी जा खूब खाई मैंने पेवसी। अब पेवसी की बात है भाई, अब बाबू से कई बार है बाल लगते दम पुआ ने के बाबा मैं तो आना पा जाऊ मो छुट्टी ना मिल जाई पर तुम मैं जगह घूम ही जाऊ। सो भाई जी बाबू ने सोची के जा मैं ही घूम के आओ छो जाके जगह जो मैं तो गजे कह जाए। सुना बैसिया को दूध दूध दिया पे थे बिल्कुल बंद घीव कजो गजे छो जाको घीव ले जाओ। सो भैया पंद दे बीस दिना में पंद दे किलो घी कहना एक घी की बच जाई। अब बाबू लटक आए घी और चंदो छो जाते मिले वे भूखा कबू जेल में बैठो ना कबू गत्ते बाहर जगाओ। सो भैया भाई तो जो लगे जो दजू के जेल में कैसे जाओ। सो मोहन ने समझ आ दी कि आगे चलो जाए स्टेशन मिलेगा वहीं से टिकट ले लिए पैसा देगो कागज को एक टिकट दे देगो कागज के भाई जेब में डलियो समाज के कि तुम कोई नहीं जाए आओ और वहीं से जेल झुकेगी बम बैठी जाओ। सो भैया मैं आएगा स्टेशन पे अब तुमने देखी होगी कि जेल आ जाइ हो नहीं अब पता जी यह मत भी समीत दूध पर अपू कहा लगेगी दूध से जेल आ जाइ होगी तो कि जी सूझिए मैं ऊपर जाइए आए कि चल जाएगी लगते का ना ने दूध के देखेंगे तो नो लगाई मैं सूद पे ही आ जाते। सो भैया मैं तारो बा पले तो फारम पे सो शाम ने तो दे लाई दूध के देखी मोए सो एकदम चिल्लाई कु नो कदे के मैं जे कई बाबू आज तो जी बीती बीती भोती चली जागी जी दादो के जाई मैंने कही सूजी चली आ जाते बत्ती सी भूखा जाती जाते हम मैं कहूँ जेल फेलम बैठो नहीं। सो भैया जेल चली आई पद पदात सो आए के पुत्र रुक गई मैं ही। अब मैंने सोची जा मैं करने था तो होगा तो आवाज तो लगा गोई के चलो बैठ लू पर बामे थे कहू ने मोते कछू नहीं कही भैया बे तो चाय बैठ दो उठे बैठ गए उतर न उठे उतर गए। अब भैया बे दे पुत्र छंद मैंने बाबू जेल कर गई दे जितो अवन हाथ लग दे पर भेद देने को दे हमें तागती बाबू में तो मैं तो ले पुरी पुरी मैं तेज दादी जी मैं आवाज वो तेज जे निकल नहीं जागी बाबू पे थे सो बाबू बजो सो पीछे को आ जाओ सो डिब्बा हो तू ना पक्का जे हो जो ये कुछ तका दो सो जेल ने करी ची सो दादी जाई गई जेल भाई दिदाई बाजू आ कौन जो की जेल मैंने कही बाबू ने जो की जे बोले का कदे सो भैया मेरे मैं पुतवा में जन्नी में चढ़ेगो चढ़ेगो सो भीज के माए बामे का पाँव दर्द हो जाए खचा खच भीज बज जाए। अब दीपा और लतकाए पंद दे किलो भजन है सो बाबू आते को घंटा दे दे घंटा में मैंने कहा जाए का को लतकाए जाओ। सो मोए को जगह नहीं मिली कहूँ जगह नहीं मिली कब आए धर दो सो एक चैन लतक जाइन सो मैंने कहा जाते लतकाए के तांग दे तो दोनों सो मैं तो वह चैन थे वो पंद किलो घी कैन बांध हो लतकाए दे सो वो चैन न्यू खींची गई भजन के माए सो तेल ने फिर कदी एक संग ची सो बेतारी रह गई वो तो रेल सो भैया पुलिस सब आए बज के आए ओए ये घी को पीपा कौन को है मैंने कही ओए पीपा ते हाथ मत लगाए दीजो ये बाबू गप्पी को पीपा है आओ जाते हाथ मत लगाए दीजो मान के अटा जाए जाते रेल रुक गई मैं रेल रुक गई ओ ले गाम में बजे बूझे कहते होते के घी में ताकत होती है पर इतनी ताकत घी में सो रेल ही तारी पाता जवान तो आओ भैया मेरे मैंने पीपा उतार और नीचे डाल लिया मैंने कही ला भैया नीचे डाल ले तो मैं घी में ताकत है भेजो के जागे कि तुम का मतलब आओ सो मैं नीचे डाल लो। अब मोए कहता हूँ थोड़ी सी जगह में ले गई न्यू देखे बेको सो बैठे गो सीटी पे। अब भैया मेरे तुमने देखी होगी कि तुम्हें रेल के डिब्बा में कितनी जगह नहीं मिले थारी है भी तो एक जगह ऐसी होती है या थोड़ी बहुत जगह दे दू जो मिल जाएगी वो कौन सी होती है पतो कहाँ दोनों लेटरिन के बीच में माँ थोड़ी बहुत जगह दे दू जो मिल जाएगी थारे है वे को बैठ वे की तो मैं कहीं ना रहो थारे है वे दे दू जगह मिल जाएगी। आओ सो भैया मेरे पेमदी बेद लेके आओ एक बोधी में बज के
स्टेशन पे आगे झुकी सो वो बोझा ले भेजा जी कोचा जी गोबा में जी में भाई कहूँ जगह नहीं मिली बन तो दोनों लेते थे बीच में ही बोझा ढलो में ही था जो है सो भैया मेरे इतने बालंग मेो पेटू देखो लो पेट में बाबा जैसे मचे मैंने कही बाबू अब त्या कपड़ा सनी गई बेटा अब नहीं बचे तुम आओ क्यों जाए को जाते हो ना खेत पेत ना दी के जाए कितना चादो तरफ लो ही लो दी के जाओ जा मैं तो कहाँ जागो तू निकल के जा मैं थे हम सो मैं देखो बगल में आदमी बैठो मैंने बात चुप चाप कही मैं खाए लला मैंने कही को ऐसी जगह अति ताम मैं फिर ऐसा ऐसा कू बाने के हे बाबा कैसी बात कर दो जो पीछे चलो ना जाओ मैं सू दो बे दो गेत होंगे आमने सामने चाहे तो उनसे मैं धक्का दे के घुसी जाती मैंने कही आओ सो मैं चला होगा सू दो अब गांव में तो तुम्हें पता हो एक आध किलोमीटर जाता है खेतन में आधा मत और पतो ना जेल में कैसे मूझ बन जाती है आदमी को आगे सजियासी पकड़ लेते हैं और यूँ बैठी जाते हैं यूँ उठ जाते धक्का पका धक्का पका धक्का पका पतो ही ना कैसे मूझ बनतु है हम एकांत भाई आदमी भजा खेतन मजा बमूला नीचे बैठे गए गदमी में आधा मत आनंद ले भाई और माँ में हैदर चन यूँ धक्का पक्का धक्का पक्का धक्का पतो ना भैया कहा हो तो हम कब मुझे हम बैठे नहीं हम सो भैया मेरे मैं चलोगो भजा भजा तू वो पेट तो खोल ही जाओ जय धक्का गेता में कुछ तो भीतर घुसू को जैसे ही मैंने भीतर पाँव धरो सो भैया वहाँ में देवता से थपे सो पत्थर लौटिया मैं ये तो कहूँ कि देवता है भैया मैंने कही कोज पोज कर देंगे सो पाए चुई के नहीं भजिया मैं तो बाय जा मैंने कही देवता थपे जे सो भैया मेरे मैं बाहर जाओ मैंने कही कहा जाए जहाँ मैं तो कहूँ कि देवता है सो माए को आदमी था जाओ चपे देवता ना जम फिजे से अवे जाते मैं अच्छा जाई में होते हैं क्या हाँ सो भैया मुँह जो माँ जी मैं कर जाई मुँह जाई कर जाए बैठो हाँ देवता जी के ऊपर जाई बैठे सो मैंने अब कचू का जो नहीं तो कपड़ा ला सीता थे बैठे जो होगी सो देख ही जागी आओ सो बैठे गो भैया तो वह बोझा बेमजी बेजा जी को धरो का हो सुबह को कुन्ना फटे जो तो जो सो सुबह में ते को लाल सो बेज लो ढक के ओ बा में घुस गो भीतर गेट के नीचे एक संदेशी है जाई थोड़ी सी बा में एक भीतर चलो गो मैं बाम बैठो जो सो भैया बेजो में चारो लंग नो जो ढके वो तो लोही की होते कि तू तो निकले कहाँ वहाँ में थे सो भैया नो लो ढके जो बेजो और मेरा मनु ललचाए आओ भाई देख के मैंने कही यार बाबू भेज तो बाजी दी को लगे जाओ कालो जाए तो कैसी जाए मैंने कही खाऊ जाए देख जाए तो भेज जीती है जा पर मैंने कही गेट तो मैंने बंद कर ला हुआ है अब देखेगा को जाओ मैं सो मैंने तो उठाए भेजो धोए पानी में पुतु मुँह में डाल सो भैया खाए भेजो और धोए ढाई बा में थे हाथ फिर से आराम थे सीट पे आए के बैठे वो पानी पे अब सीट पे बैठो सो तोनो आए गए भी मांगे भी वादे भी मांगे भी ना बता दे मैं सुबह थीपुजी लगा लेते हैं जहाँ उन्न में और यूँ बजावते हैं कितिकाएँ 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 ऐसे और भाई पे गीत गावत है सो बस मोई तने को आए के थारो है गो और तुम्हें भी एक चीज़ बताऊँ अगर चोर हो ये बात नहीं कि तुम कचू चोरी के बारे में ही कह दीजो तो भाई नो लगेगी कि जय कैसे मालूम पड़ गए चोर है कुतिया दी कहते हैं और कुतिया है ईत दी कहते हैं बैसो ही ब्यो आलू है जो बा करना सो भैया मैं तो आए के बैठा तू जा दो तो नो मोई तने को आँखें मिलाए कि न्यू थारो है गो मांगे भी बाहर ओ आते ही चालू के तेरे मन की बतिया मैं जानू तेरे मन की बतिया मैं जानू तेरे मन की बातें तेरे मन की बातें मैं जानू मैं सोची जाने कितु न कितु ते मुझे देख लो ताई तेरे मेरी मन की बातें जाने को नहीं कैसे जान तो भैया सो मैं जान कहू छेदा फेदा मैं ते मुझे भेजो खातू देख लो सो भैया मेरे मैंने बातें कही भी सको नो तो निकाली जेब में थे पकड़े और जा जानते आगे भाई डिब्बा में गई हो सो भैया वो चलो गो पूरे डिब्बा में दो लो कहू न भाई अतनी जाई कहू न भाई चुअन्नी ज्यादा कहू न भाई दही नहीं आओ सो भैया दो रुपया तीन रुपया ही खाते है पाए पूरे डिब्बा में थे भान सोची यार वो सिरोता बहुत अच्छो सुनी वे बात आदमी यो मैंने भी सको नो तो जाओ लाभा के भाई पैसो ना आया तो वो तो भैया फिर आए ताजो वो मेरी आ गए
ओ आते ही भी चालू के तेरे मन की बतिया मैं जानू, तेरे मन की बातें मैं जानू, तेरे मन की बातें, तेरे मन की बात मैंने कही जी नहीं माने गो बेगज कहजा पूजे जब बाम बताए दे गो के जाने तत्ती कत्तम बेजो खाई जाओ। सो भैया मोए दजो भजो अपनो, सो मैंने दसको नो तो निकाल दे पेटे भाई पुत्र पकड़ा दो मैं ले और जानते आने गा भैया तू यहाँ मत रुके। सो भैया वो पेजे चलो गो फिर दो ले आओ एक डिब्बा में कहू ने धनी कहू ने चौनी दो तीन जो भैया पेजे खत्ते कर लाओ। बाने सोची के जी श्रोता को बहुत अच्छा लग रहा है और सुनका जो आदमी है अब की बात जाए पूरा गाना ही सुनाए के अंगूचे कछु है जाए। सो भैया वो तो तीस अजीब है जब फिर आए जा रहा हो ओ आता ही बेचालू के तेरे मन की बातें मैं जानू, तेरे मन की बातें मैं जानू, तेरी मन की बातें। जैसे ही बाने जी गानो गा भैया मेरे कौन खोले हो मैंने किसी का तो जाने मैं जेब काली करते और तो जी दाता ना खाए दो मैं जाते कह दो कहूँ अंत गजो पर मान ना दो। सो मोह भैया गुस्सा आ गई मैंने कही जी बता बेटा ते पहले मैं ही बता दो तो कह चीज है आओ तो मैं पता मैं दिमाग को लगा दो दिमाग को तो न्यू बजे तुझे कंप्यूटर त्याग मैं जी कह गो जाते पहले मैं कह दे तू। सो मैंने बातें कही मैं कह दे तू मेरे मन की बात कहा जान तू अजय कहा जान तू है कहा जान तू जो बता है तब ते कह दो मन की बात है मैं जानो तो ते पहले मैं ही कह दे तू। आओ सुन लो भैया डिब्बा में जितने आदमी है मैंने तत्ती कदम भेजो कह लाओ है ताकि कह जाओ भेज भेज जी मोटे। आओ सो अपने आप ही बोले कौन दे बाबू ने तो बाबू को दिमाग को तो है सोचे भैया। एक बार प्रेम से बोलेंगे बोले सच्चे दरबार की जय यो बता।